एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जो कर्मचारियों के पद होते हैं, जिन पर रिक्तियां होती हैं, यानी कि जो वैकेंसीज रहती हैं, उनकी पूर्ति के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। एसएससी के द्वारा कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिनको 10th, 12th और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स दे सकते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं एंड कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, एसएससी के द्वारा CHSL एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। CHSL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है इसको 12th पास स्टूडेंट्स ले सकते हैं, मतलब कि अगर आपने 10+2 पास किया है, इंटरमीडिएट पास कर लिया या फिर 12th के समकक्ष परीक्षा पास किए, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम के द्वारा आपको कौन कौन से पोस्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि LDC का पोस्ट मिलता है, पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो कि आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं। SSC के द्वारा CGL एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम है इसको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, यानी जिन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, या फिर वे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, वे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे कि आपने BA या फिर BSc, BCom, BTech, BBA, BSc नर्सिंग या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SSC CGL में सेलेक्ट होते हैं देन आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, MEA असिस्टेंट, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, CBI सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा जो अलग अलग विभाग होते हैं उनमें आपको अलग अलग पोस्ट मिलते हैं। तो SSC CGL का जो एग्ज़ाम है इसको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दे सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं SSC CGL राइट इन्फो क्लब, वीडियोज एंड आर्टिकल आ जाएंगे, उनमें आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी SSC CGL एग्ज़ाम के बारे में। SSC के द्वारा स्टेनोग्राफर Grade C & D का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। इस एग्ज़ाम को 12th पास स्टूडेंट्स दे सकते हैं। कौन सा पोस्ट आपको मिलता है, तो स्टेनोग्राफर का पोस्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS। SSC के द्वारा MTS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसको 10th पास स्टूडेंट्स दे सकते हैं, मतलब कि जिन्होंने कम से कम 10th पास किया है, 10वीं कक्षा पास किए, वो भी इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करके MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ बन सकते हैं या फिर हवलदार की पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा SSC के द्वारा GD एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। GD यानी कि जनरल ड्यूटी। तो SSC GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसको 10th पास स्टूडेंट्स दे सकते हैं। कम से कम आपने 10वीं कक्षा पास किए देन आप SSC GD एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अलग अलग जो सुरक्षा बल हैं यानी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनमें आपको कांस्टेबल का पोस्ट मिलता है। इसके अलावा साथियों SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है CPO एग्ज़ाम। CPO यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम है इसके द्वारा आपको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है अलग अलग फोर्सेज में, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दे सकते हैं, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री पास की है, जैसे कि BA, BSc, BCom, BTech, BSc नर्सिंग, BPharma या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री पास की है, वो SSC CPO एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं SSC के द्वारा। SSC JEE का जो एग्ज़ाम है इसके द्वारा आपको जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE का पोस्ट मिलता है और इसको डिप्लोमा या फिर BTech वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते हैं, या फिर आपने BE किया इंजीनियरिंग में देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SSC क्या है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करें और उसका अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न देखें कि अब जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस समय किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, किस सब्जेक्ट से निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल और अपडेटेड जानकारी आप प्राप्त करें, उसके बाद आप अच्छी तरीके से रणनीति बना करके पढ़ाई करें और मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो सफल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि SSC के बारे में जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।